हमने चालक में देखे थे, चालक में हमको समझ में आया था, अचालक में हमको समझ में आया था कि चालक वहां पर यूज होता है जहां पर हमको किसी वायर में सप्लाई देना हो, वहां पर चालक का यूज किया जाता है। अचालक का यूज वहां पर किया जाता है सेफ्टी के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, सेफ्टी के लिए। अब आता तीसरी चीज अर्धचालक। कई लोगों को ये इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं होती है कि अर्धचालक जो होता है उसका यूज कहां पर किया जाता है। लोगों को मालूम हो गया, जनरली जानकारी हो गई, जनरली जानकारी में उनको ये पता चल गया कि जो अर्धचालक होता है या जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसमें वो पता तो देंगे कि जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, परंतु ये नहीं बता पाते कि इनका यूज कहां होता है। इनका जो यूज होता है, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनके जो यूज किया जाता है, इसका सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है तो वो कायम किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक में। अब इलेक्ट्रॉनिक में आपका टीवी, रेडियो, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल वगैरह हो गया, जितनी भी आपकी जो प्लेटें बनती हैं, क्या बनती हैं, प्लेटें, उन सभी चीजों में सेमीकंडक्टर का ही यूज किया जाता है। अब आप सोचोगे सर सेमीकंडक्टर का जब किया जाता तो उसमें तो रुक रुक के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती, तो क्या इनमें भी रुक रुक के जाती इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आपका लाने ले जाने के लिए चालक का ही यूज किया जाता है, लेकिन जो डायोड होते हैं, ट्रायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, वो आपके सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। डायोड, ट्रायोड, ये जो सारी चीजें होती हैं, इस सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। इज दैट क्लियर? यस। किसी को डाउट हो तो बोलो। सर जैसे चालक, चालक से विद्युत गई, इसके बाद डिवाइड कौन करता है? चालक नहीं, आपका एक प्लेट है, इस प्लेट में क्या होगा, आपका यहां पर लगा है क्या डायोड, डायोड में दो पॉइंट होते हैं, ट्रायोड में तीन पॉइंट होते हैं, तीन पॉइंट होते हैं। यहां पर आपकी जो केबल लगी हुई है, इस केबल में चालक लगे हैं, परंतु जो डायोड है ये आपका सेमीकंडक्टर कहलाएगा, इसको ट्रायोड को हम सेमीकंडक्टर कहेंगे, ये हमारे क्या कहते हैं, ना कि वायर में ही कहलाता हमारा, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाते हैं हमारे सेमीकंडक्टर, उनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ना कि हम जो सप्लाई जा रही है इसको सेमीकंडक्टर कहेंगे। ये तो हमारी चालक ही है ना, कंडक्टर ही है, क्योंकि टीवी में वही रोक लेती है जैसे कि हम देखते हैं तो करंट वही लेते हैं जैसे सब लेते हैं। हाँ, सेम बिल्कुल, टीवी भी आपका सेम सिस्टम है, बस ये है कि उसमें जो है वो डीसी से चलती है। याद रखना, टीवी आपकी एसी से कभी नहीं चलती, इस चीज का ध्यान रखना। जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, अगर उनमें आपका सेमीकंडक्टर का यूज किया है तो 90% इंस्ट्रूमेंट डीसी से चलते हैं। देखा होगा कभी आपने, एक अंदाज किया होगा, जब टीवी को हम ऑफ करते हैं या लाइट जाती है, नई टीवी समझ में नहीं आएगा, आजकल जो एलईडी आ रही है उनमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनमें देखा होगा जो पुराने प्रकार की बड़ी खोखा वाली जो टीवी चलती थी, उनको देखा होगा कि जब उनको बंद करते हैं हम, तो बंद होने का जो उनका क्रम होता है वो बहुत आराम से होता है। मतलब हमने ऑफ कर दिए, ऑफ करने के बाद थोड़ी देर तक उनमें उजाला रहता, फिर ऐसा ऐसा सुकड़ के वो बंद होती है। क्यों? क्योंकि वो डीसी सप्लाई। कहीं बल्ब देखना, जो बड़े बड़े सोडियम लेवल लैंप के जो बल्ब लगे होते हैं, जैसे जो डीसी से चलते हैं, वो वाले, वो भी इसी तरीके से आपके धीरे धीरे बंद होते हैं। डीसी की एक खासियत होती है। दूसरी चीज, जो आपने प्लेट लगाई है वो क्या कर रही है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही है। एसी जो आपका है उसको क्या कर रही है, डीसी में कन्वर्ट कर रही है। अल्टरनेटिंग करेंट आपने दिया एसी, इसको काय में कन्वर्ट किया उसने डीसी में। अब आप सोचोगे सर ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे कर रहा, इसके लिए मैंने आपको बताया ना, डायोड लगाए क्या लगाए जाते हैं, डायोड। एसी और डीसी का बहुत अलग फंडा है, क्या है उसका फंडा, एक मिनट देख लेना आपको। देखो ये आपकी एसी सप्लाई होगी, ये आपकी कहां से आई, स्विच से, ये स्विच है,
यहां से आपकी एसी सप्लाई आई, ठीक है। ये आपकी मान लो कहां गई, यहां पर आपकी किसी ट्यूबलाइट में गई, ये भी आपका डीसी पे ही वर्क करता है। ट्यूबलाइट जो नए वाले आजकल ट्यूबलाइट चल रहा है ना, ये डीसी पे ही वर्क करते हैं, इनको एसी नहीं कह सकते आप। भले ही वो एसी हैं, लेकिन जो वर्क करते हैं वो डीसी पे करते हैं। कोई बता सकता मुझे ये मैंने क्या बनाया है? ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट तो बनाया बेटा, लेकिन ये बता सकते हो मुझे कि ये जो है ये क्या है? ये चोक है। क्या है? चोक। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इसी तरीके से बनता है। ये ऊपर जो है वो क्या है? स्टार्टर। क्या लगा है? स्टार्टर। और जब आपने ये देखो यहां पर, जब आपने सप्लाई दिए तो आपकी सप्लाई क्या आ रही? एसी। कितनी आ रही है? 240 वोल्ट। ओके, ये 240 वोल्ट हमारी सप्लाई कहां तक आई? चोक तक। चोक में जो हमारा लगा है वो सेमीकंडक्टर का वर्क कर रहा है, डायोड। क्या लगे? डायोड। उनने क्या किया? एसी को डीसी में क्या करा? कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोचो कि ये जो कन्वर्ट होता है, किस कन्वर्ट होता है? महिला से पुरुष या पुरुष से महिला, ऐसा कन्वर्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का सिस्टम सिर्फ ये है। ये आपकी कौन सी सप्लाई है? प्लस माइनस एसी। एसी क्लियर? जिसमें प्लस माइनस वो एसी, और जो हमारी डीसी है डायरेक्ट वो ये, ठीक है। अब ये जैसे हमने डायोड लगाया, कोई डायोड इनको कन्वर्ट करने के लिए आपने डायोड लगा दिए, ये जो डायोडों का काम होता है वो क्या होता है? वो एसी जो सप्लाई इनके अंदर से जो गुजरेगी, उस सप्लाई की क्या करेंगे? पल्स जो बन रही है, ये पल्स बन रही है, ठीक है, इस तरीके से जो पल्स बन रही है, इस पल्स को क्या कर देते हैं? खत्म करने का काम करते हैं, रोकने का। जो पल्स बन रही है उसको रोकते हैं। और जैसे ही आपकी जो पल्स है ये क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो आपका धीरे धीरे कहां में आने लगेगा? डीसी में आने लगेगा। तभी हम क्या करते हैं? एक डायोड लगाते हैं। पहले हमने एक डायोड लगाया तो उसमें क्या होता है? पूर्ण रूप से नहीं बनता, उसमें छोटी पल्स को रोकता है। दो डायोड लगाते, हाँ एक डायोड लगाते तो उसको हम कौन सा वेव बोलते हैं? हाफ वेव। कौन सा वेव बोलते हैं? हाफ वेव। दूसरा डायोड लगाते हैं, मतलब दो डायोड लगाते हैं, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है? फुल वेव। कौन सा कहलाता है? फुल वेव। और चार डायोड लगाते हैं तो वो हमारा कहलाने लगता है ब्रज रेक्टिफायर। कौन सा रेक्टिफायर कहलाने लगता है? ब्रज रेक्टिफायर। जैसे हम चार डायोड लगाएंगे, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th 12th में, तो वो हमारा जो कहलाता है वो ब्रज रेक्टिफायर कहलाता है। एक डायोड लगाने से क्या होगा? जो पल्स है उसमें थोड़ी कमी आएगी, जो ज्यादा बन रही है उसमें क्या आएगी? कमी आएगी, थोड़ी कम बनने लगेगी। दो डायोड लगाएंगे तो पूर्ण रूप से और कम हो जाएगा, और चार डायोड लगाए जाएंगे तो शुद्ध करेंगे। ये पल्स रोकने का काम करते, शुद्ध एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, शुद्ध एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डायोड लगाते हैं उनमें भी क्या होता है? आपका एसी को डीसी में जो डायोड तो आपने लगा दिए, लेकिन जो वर्क करता है, वर्क मतलब जो कार्य करता है, वो आपका फिल्टर करता है। क्या करता है? फिल्टर। याद रखना, पेपर में ये क्वेश्चन आता है, एसी को डीसी में शुद्ध रूप से बनाने के लिए, शुद्ध मतलब प्योर बनाने के लिए आपका वर्क क्या करता है? क्या वर्क करता है? तो आप कभी भी डायोड पे निशान मत लगाना, फिल्टर करता है। कौन करता है? फिल्टर। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए तो डायोड का यूज करते हो, लेकिन डायोड में जो वर्क करता है वो आपका फिल्टर करता है। Is that clear? एसी का न्यूनतम 240 वोल्ट। एसी सिंगल फेस है 240 वोल्ट, थ्री फेस है 440 वोल्ट, और डीसी जो होता है वो अगर हम पावर प्लांट पे जनरेट करेंगे और जिसका हमको झटका लगता है या जिसमें हम मोटर वगैरह जो हो, तो वो होता है हमारा 660 वोल्ट से उठना चालू होता है। हाँ, 660 वोल्ट जो जनरेशन की प्रक्रिया, जैसे एसी में 11 kV जनरेट करते हैं, उसी प्रकार से पूरे विश्व में, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूं, सॉरी विश्व की बात नहीं कर रहा हूं,
हमारी जो इंडिया में जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से, भले वो पावर प्लांट 132 केवी का हो, 132 केवी का मतलब होता है 132,000 वोल्ट, लेकिन जनरेट जो होती है प्रेजेंट में 11 केवी 90% के पावर प्लांट में जनरेट होती है। 11 केवी का मतलब 11,000 वोल्ट। फिर हम इसको क्या करेंगे, पारेषण करेंगे। पारेषण का मतलब यह होता है कि आपकी जो 11 केवी की सप्लाई है उस सप्लाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे हम क्या करके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर। उसको हमने क्या किया, 33 केवी में कन्वर्ट किया, 33 से 64 में कन्वर्ट किया, 64 से आपका 132 में कन्वर्ट। इस तरीके से हम उसको बढ़ाते, कब तक बढ़ाते, जो इसकी क्षमता है। ऐसा नहीं कि 132 केवी का पावर प्लांट है और हमने जो जनरेशन चालू कर दिया वो 132 केवी पर जनरेट हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये तो बेसिकली आपके जो ऑनलाइन भी क्लास देखेंगे उनके लिए भी बेसिकली जानकारी है इस चीज की। जब तक आपको ये पता नहीं चले, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है आपका कि आप अगर एक यूनिट लेके पढ़ोगे तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। जहां से जो पॉइंट निकलता है उस पॉइंट को आप अगर एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाओगे तो अपने आप उनको, अब जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये चीज आपके अगले नेक्स्ट लेसन में, लेकिन जब आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो आगे का कोई मजा ही नहीं आएगा आपको। यही चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि डायोड क्या लगा दिया, कैसे पल्स कंट्रोल। दूसरी चीज, एसी में जो फ्रिक्वेंसी होती है इंडिया की वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। कितनी है, 50 हर्ट्ज। और डीसी क्या करता है, या जो आपका जो डायोड जो करते हैं वो क्या वर्क करते हैं, वो यही तो वर्क करते हैं आपकी फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं, रोकते कम करते हैं। उन्होंने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को डीसी में क्या हो जाती है, जीरो। क्या हो जाती है, फ्रिक्वेंसी डीसी में जीरो। और जब आपकी फ्रिक्वेंसी जीरो होगी तो वो आपका डीसी बनता है, जो साइकिल बनती है उसको क्या करते, खत्म करते। क्लियर, आगे बढ़े। अब हम जो पढ़ेंगे आगे को, ये मैंने आपको ट्यूबलाइट का समझा दिया। इसने क्या किया, इसको डायोड लगे हैं, डायोड से इसमें के पास जो इलेक्ट्रिसिटी गई है वो डीसी में होके गई है। स्टार्टर का काम होता है किसी भी वो रॉड को उठाने का वर्क करता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया नहीं होगा, जानकारी आप ले नहीं पा रहे होंगे, इनमें जो होता है दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका लीडिंग, आगे की क्लास में जो आपको पढ़ाऊंगा वो आप दो चीजें पढ़ोगे, एक होता है आपका लीडिंग और दूसरा होता है आपका लैगिंग। लीडिंग और लैगिंग का तात्पर्य ये होता है, आप में से आधे से ज्यादा, और मुझे लग रहा काफी बच्चों के मन में ये सवाल चलता होगा कि किसी भी पावर प्लांट में अगर 132 केवी का यूज किया जाता है, क्लियर, कितने का किया जा रहा है, 132। ये इलेक्ट्रिसिटी यहां से 132 का मतलब पावर प्लांट है, 11 केवी आपने जनरेट किया है और जो 11 केवी को ट्रांसफार्मर लगाकर मैंने यहां पर उसको पारेषण करके मतलब 132 केवी पर उसको ले गया। ठीक है, 132 केवी मतलब 132,000 वोल्ट। 132,000 वोल्ट पे तो हम कोई भी चीज लगाते ही नहीं है, तो फिर हम इतनी जनरेट क्यों कर रहे हैं। तो दूसरी चीज, अगर मैंने 132,000 ये जनरेट किया, यहां तक आपकी 1,00,000, मान लो आपने जबलपुर से सप्लाई चालू की और भोपाल तक आपकी 132,000 की भी सप्लाई आ रही है, अब यहां पर ना मैं बीच में कोई चीज लगा पा रहा हूं ना कुछ, जब मुझे घर पे जरूरत पड़ रही है तो सिंगल फेस में 240 वोल्ट की जरूरत पड़ रही है, जिसमें एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है, और थ्री फेस जब यूज कर रहा हूं मैं R/V, थ्री फेस यूज कर रहा हूं तो मुझे कितने की जरूरत पड़ रही है, 440 वोल्ट की जरूरत पड़ रही है। तो ये 132,000 वोल्ट है किसी में, इतना ही जनरेट करो जितनी जरूरत, और ये तो फिर आगे को भी तो बढ़ती जा रही है। उसी के लिए आपको समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको, कि इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी की जो खपत है वो खपत किस प्रकार से देखी जाती, उसी के लिए आपको समझना पड़ेगा लीडिंग, दूसरा होता है लैगिंग। लीडिंग और लैगिंग ये दो चीजें होती हैं। लीडिंग वो होता है जिसमें करंट का मान आगे होता है, वोल्टेज का मान पीछे होता है। लैगिंग स्थिति तब बनती है जब वोल्टेज का मान
आगे मतलब वोल्टेज आगे होता है, करंट आपका पीछे होता है, तब बनता आपका लैगिंग। अभी ये जनरली है, इसको समझना नहीं है, ये बहुत पावरफुल चीज है। जब आप इंडक्टर और कैपेसिटर दो चीजें समझते हो, इंडक्टर में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएगी आगे की यूनिट में। ये अभी यूनिट थ्री में ये नहीं आएगा। अभी हमने कभी कभी ये ऐसा होता है जैसे कि हम 24 वोल्ट मतलब 240 वोल्ट लेते हैं, फिर काफी दूर मतलब काफी दूर से ले रहे हैं तो वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम होगा, ड्रॉप होगा वोल्टेज। उसी के लिए तो आपको बोल रहा हूं, उसके लिए लीडिंग और लैगिंग समझना पड़ेगा आपको। जैसे बेसिकली आपने चर्चा करें, मैं बता देता हूं, जब आपने कहीं से 240 वोल्ट की सप्लाई का कनेक्टिविटी ली, लगभग वो आपने देखा होगा ये गांवों में आपकी प्रॉब्लम, ट्रांसफार्मर से आपने सप्लाई ली, एक ट्रांसफार्मर है वहां से आपने क्या किया सप्लाई लिया, कोई आपके घर में एक ट्रांसफार्मर लगा लो, ये मान लो एक आपका ट्रांसफार्मर है, इसी ट्रांसफार्मर पे एक आपका इस ट्रांसफार्मर में कितना बन रहा 440 वोल्ट, कितना बन रहा 440 आ रहा नहीं तुमको भी आ रहा है पक्का पक्का 440 वोल्ट जो सप्लाई है इस ट्रांसफार्मर में। और आपने देखा होगा एक कुआ यहां पर है, एक कुआ यहां पर है, एक कुआ यहां पर है, एक कुआ यहां, एक यहां, ठीक है, और जो सप्लाई है वो सारे कुओं के यहां से डली हुई है, ये आर वाई बी थ्री फेज सप्लाई है 440 वोल्ट, 440 वोल्ट ये थ्री फेज सप्लाई है। आज कॉन्सेप्ट छिड़ा है वही होना चाहिए, थ्री फेज सप्लाई है। आपने देखा होगा ये कुआ बेहतर तरीके से चल रहा है, ये भी बेहतर तरीके से चल रहा है, ये भी बेहतर चल रहा है, ये थोड़ा कम पड़ा और यहां आके और कम पड़ जाता है। आप बोलते हो वोल्टेज का हमारा कुआ पानी कम फेंक रहा है, एक डीपी रखवाना पड़ेगा, मतलब बोलते ट्रांसफार्मर डीपी, अपन गांव की भाषा में बोलते हैं उसका एक्चुअली नाम होता है ट्रांसफार्मर। तो आप यहां पर सोचते हो कि यार ये यहां नहीं चल रहा, आप एक यहां ट्रांसफार्मर रखवा लेते हैं, अपन ट्रांसफार्मर करता क्या है पहले तो हमको ये बताना चाहिए। ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को अप और डाउन करने का काम करता है। अब आपको लीडिंग लैगिंग समझ में आएगा। लीडिंग लैगिंग में स्थिति क्या बनी, आपके इस ट्रांसफार्मर पर 11 केवी इनपुट आ रहा, क्या आ रहा इनपुट, इनपुट सप्लाई कितनी आ रही है 11 केवी, ठीक है, इसने आउटपुट में जो दिया है, आउटपुट पे जो सप्लाई दे रहा है वो कितना दे रहा है 440 वोल्ट, मतलब वोल्टेज को क्या कर रहा है डाउन कर रहा है। ट्रांसफार्मर हमेशा ध्यान रखना वोल्टेज को कम करता है, करंट के साथ कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता करंट में, सिर्फ वो वोल्टेज को अप और डाउन करने का काम करता है, कौन ट्रांसफार्मर। अब जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप और डाउन करने का काम कर रहा, सप्लाई आपकी इस पे हाई वोल्टेज ठीक आया, यहां पर आपकी जो मोटर लगी हुई है उस मोटर में क्या लगा होता है स्टार्टर, देखे हो मैं आपको थ्री फेस मोटर बिना स्टार्टर के चला के दिखा दूंगा, थ्री फेस मोटर जो आपकी गांवों में जो कुओं में थ्री फेस मोटर लगी होगी या कुछ देखे होंगे होशियार किसान होते हैं वो एक स्टार्टर से दूसरे मोटर को भी कनेक्ट मार देते हैं, टोचिंग लगा के जो आगे को बढ़ाते हैं, देखे होंगे एक ही स्टार्टर से दोनों को, लेकिन उसमें क्या होता है करंट का जो मान होता है उसमें बहुत वो होता है। स्टार्टर का काम क्या होता है, स्टार्टर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो आपकी सप्लाई आ रही वोल्टेज और करंट, जिसमें करंट हमारा आगे है और वोल्टेज क्या है पीछे, मतलब स्थिति ये है करंट का मान आगे और वोल्टेज का मान पीछे लीडिंग में, ठीक है, इस जो करंट के मान को क्या करता हो कम करता, क्या करता है कम करता, और वोल्टेज के मान को क्या करता है ज्यादा करता, क्या करता है ज्यादा करता है, समझ में आया सर। जैसे सर वहां से हमारा 400 केवी निकला, ये 400 केवी नहीं 440 वोल्ट निकला, ये 440 वोल्ट मेरी मोटर पे आने से पहले मेरा क्या लगा है स्टार्टर से सामना हुआ, स्टार्टर से हुआ, इस स्टार्टर में क्या हुआ इंडक्टर लगा हुआ है, क्या लगा है इंडक्टर, इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर का काम है वोल्टेज को अधिक करना और करंट को कम करना, ये काम है इसका। इंडक्टर मतलब
क्वाइल, आपने देखा होगा एक एनवीसी क्वाइल लगी होती है, एनवीसी जिसको हम बोलते हैं नो वोल्ट क्वाइल, एन वी और सी लिखने का थोड़ा प्रॉब्लम है, एनवीसी नो वोल्ट क्वाइल। वो नो वोल्ट क्वाइल क्या करती है, वो जहां जितना भी जगह इंडक्टर लगा होगा, जितनी भी जगह प्रेरक जिसको हम कहते हैं, इंडक्टर जितनी भी जगह लगा होगा वो क्या करता है, वोल्टेज के मान को आगे करता है और करंट के मान को पीछे करता है। और जहां पर कैपेसिटर लगा है, चाहे ये पंखा देख लो, जहां पर भी कैपेसिटर लगा है वो क्या करता है, करंट के मान को आगे करता है और वोल्टेज के मान को पीछे करता है। ये दोनों का सिंपल एक ही फंडा, कैपेसिटर कैपेसिटर और दूसरा होता है इंडक्टर जिसको हम बोलते हैं प्रेरक। इन दोनों का एक ही काम है, इसके अलावा ये दुनिया में कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि आज तक कोई माइका लाल एसी को पूर्ण तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, स्टोर कर ही नहीं सकते आप एसी को। डीसी को स्टोर करते हैं, करते हैं, कैसे करते हैं, आपकी मोबाइल है, उस मोबाइल में आप डीसी को स्टोर कर लेते हो, आपकी सप्लाई आई, आपने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद 8 घंटे आप उसका क्या करते हो, यूज करते हो, स्टोर करा ना, वो कौन सी सप्लाई को स्टोर किया, वो डीसी को स्टोर किया। और अगर यहीं पर आपकी एसी सप्लाई है, मतलब आपके ट्यूबलाइट फैन ये जो चल रहा है वो एसी सप्लाई है, ठीक है, इस एसी सप्लाई में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताइए आप, एसी सप्लाई जो आपकी है इसमें पावर प्लांट से सप्लाई आपकी कट हो जा, तो क्या आपका ऐसा है कि कंटिन्यू चलता रहता, नहीं चलता। अब आप सोचोगे सर इन्वर्टर तो है, इन्वर्टर डीसी को स्टोर करता है और डीसी को स्टोर करके वो क्या करता है, एसी में परिवर्तित करता है, यानी कि एसी को डीसी में भी परिवर्तित हो सकता है, डीसी को एसी में, दोनों चीजें होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों चीजें होती है, एसी को डीसी में भी कन्वर्ट किया जाता है और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट किया जाता है, डायनोमीटर होता है उसके द्वारा आप डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हो, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपका डायोड होता है, आपके इन्वर्टर पे जो सप्लाई आती है जब पॉइंट निकलते तो आगे को भाग बढ़ती, आपका जो इन्वर्टर होता है इन्वर्टर पे जो सप्लाई आती है वो एसी आती है, ठीक है, एसी आई उसने उसको जो स्टोर करने का काम किया वो किसमें किया, डीसी में किया, लेकिन जब आपके लैंपो तक जो सप्लाई जाएगी वो कौन सी जाएगी, वो एसी जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने उसमें क्या लगा दिया, अभी क्या बताया मैंने, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाया, ट्रांसफार्मर नहीं है, डायनोमीटर आपका, उसने क्या किया, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया, वो एसी सप्लाई आपके पंप में चली गई, डायरेक्ट एसी सप्लाई को आज तक कोई नहीं कर सकता, आप स्टोर ही नहीं कर सकते, डायरेक्ट जो एसी होती है इसको स्टोर कर ही नहीं सकते, दुनिया में कोई चीज ही नहीं बनी जो एसी को स्टोर, अगर तुम एसी को स्टोर जिस दिन कर लोगे फिर तो तुम भगवान हो गए, कैसे हो गए, समझो जो आपकी आकाश में जो बिजली चमकती है, आकाश में जो बिजली चमकती है और जो आप 440 वोल्ट 132 केवी इनका जो यूज कर रहा है वो इसका बाप है, जो ऊपर चमकती है कितनी चमकती तेजी से, वो जो चमक होती है क्षण भर के लिए, आपको जो चमकता बादल नहीं चमकता, वो जो चमक होती है वो लाखों करोड़ों वोल्ट होती है, अगर तुम फिर उसको स्टोर करते तो तुम इतने पावर प्लांट या दुनिया भर के तामझाम में करके क्या करते, वो जो चमकती सेंसर लगाते उसको क्या करते, स्टोर करके एक साल तक चलाते, एक बार की चमक इतनी तेज होती, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, उसकी लाइट को चला सकती है, सोच लो आप कितनी होती हो, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है, तो उसी को जाना पड़ेगी ना जरूरत, क्षेत्रफल की दृष्टि से, मगर क्षेत्रफल में क्या करेंगे, पेड़ पौधों को थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी देगा, अपन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ मनुष्य ज्यादा होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, कि जहां पेड़ पौधे होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, तो उत्तर
प्रदेश में 20 करोड़ जनसंख्या जो है वो 18-20 करोड़ जो जनसंख्या है वो यूज कर सकती इसका, अगर हम स्टोर कर ले एक बार की चमक को, तो 19 के आसपास है। मैं कह रहा हूं 18 से 20 करोड़, तो उसमें 19 आ गया। समझ में आई बात? और आगे बढ़ूं सर जी, ये जो पंखे है इसमें कंडेंसर का रोल क्या है? मैं बता रहा हूं ना, उसी पे तो जा रहे हैं। तो ये सप्लाई हमारी यहाँ आई, इसने क्या किया, इंडक्टर ने वोल्टेज को बढ़ा दिया और करंट को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा करंट क्या है, धीरे धीरे करंट का मान क्या होते जा रहा, पिछड़ते जा रहा है। अब यहाँ आगे आया, आगे आने के बाद स्थिति क्या हुई, फिर आपका वही सामना हुआ दूसरे दुआ पे, यहाँ पर फिर आपके इंडक्टर में क्या हो गया, अब हर जगह आपकी क्या है, वोल्टेज का यूज हो रहा, क्योंकि करंट तो पीछे है, ज्यादातर आप वोल्टेज ही स्टोर करते जा रहे हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एसी में दोनों चीजों को एक साथ नहीं कर सकते आप स्टोर, करंट और वोल्टेज, इन दोनों को एक साथ स्टोर नहीं कर सकते, अलग अलग आप कुछ क्षण के लिए दोनों को स्टोर करोगे। कैसे, इंडक्टर लगाकर वोल्टेज को स्टोर कर लोगे, कैपेसिटर लगाकर करंट को स्टोर कर लोगे। अगर मैं दोनों को एक साथ स्टोर करने की कोशिश करूं तो कभी नहीं समझ में आएगा, और दोनों को मिलाते तभी हमारा विद्युत बनता, तभी क्या बनता है, विद्युत बनता। अगर एक चीज को ही हम सोचें तो कभी विद्युत नहीं बनता। क्लियर? अब आते हैं यहां पर इस वाले तीसरे नंबर पे, आप आए तीसरे नंबर पर भी जो सेम पहले पे है कंडीशन वही आपकी काय पे है, तीसरे नंबर पे यहां पर भी वोल्टेज का मान आगे हुआ, करंट का मान पीछे हुआ। अब आप ये बताइए मुझे, यहां पर आपका वोल्टेज की खपत हो रही है, यहां पर आपकी वोल्टेज की खपत हो रही है, यहां पर वोल्टेज की खपत हो रही है, तो वोल्टेज क्या होगा धीरे धीरे आपका, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यहां तक जब आप आओगे तो वोल्टेज का मान क्या होगा, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? जब वोल्टेज का मान यहां गिर जाएगा तो लास्ट कुआ जब आपका आएगा तो यहां पर उसको वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, जितना जरूरत है मिलेगा, लेकिन जितनी जरूरत है उतना वोल्टेज मिलेगा क्या? जब नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये धार फेंकेगा क्या? स्वाभाविक बात है, चैप्टर क्लोज। करंट तो मिल रहा है हमको, लेकिन जिस चीज की जरूरत है वोल्टेज की वो नहीं मिल रहा, और वोल्टेज हमको इंडक्टर के हिसाब से क्यों, क्योंकि अगर उसको हमको चलाना है तो हमको वोल्टेज जो है, कोई भी चीज स्टार्ट होने के लिए, दुनिया की कोई भी चीज बता रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी में, स्टार्ट होने के लिए ऐसा नहीं है कि वो 240 वोल्ट पे स्टार्ट हो रही है तो 240 वोल्ट पे स्टार्ट हो, कभी नहीं होगी। वो स्टार्ट होने के लिए 2 से 3 गुना अधिक वोल्टेज या करंट लेगी, तभी इन चीजों का हम यूज करते हैं। अगर 2 से 3 गुना करंट अधिक ले रही है तो हम कैपेसिटर का यूज करेंगे, 2 से 3 गुना वोल्टेज अधिक ले रही तो हम इंडक्टर का यूज करेंगे। अब आते हैं हम कैपेसिटर। कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है, यही स्थिति कैपेसिटर की बनती है, क्या बनती है, करंट को स्टोर करने का काम करता है। और जब हमने किसी पंखे में कैपेसिटर लगाया तो क्या करेगा, जो सप्लाई हमारी आई है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी पंखे पर आ रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हमारा कैपेसिटर क्या करेगा, कुछ क्षण के लिए, मात्र कुछ क्षण के लिए करंट को क्या करेगा, स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा। और जब वो करंट को स्टोर करेगा, कुछ क्षण के लिए करंट को स्टोर किया उसमें, और स्टोर करके उसमें क्या दिया, एकदम से पंखे में दिया, ठीक है, स्टोर करके उसको जो आगे करंट आ रहा हमारा उसको क्या किया, स्टोर किया। पंखे में क्या होगा हमारा, जब कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर आपने लगाया है तो इसमें स्थिति आपकी क्या होगी, करंट का मान क्या हुआ, रोकने की कोशिश करेगा करंट को जो आ रहा, उसको रोकेगा, स्टोर करेगा, और वोल्टेज के मान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो फिर एकदम से जो स्टोर किया है वो करेगा। तो उस स्थिति में हमारा क्या है, फैन घूर्णन गति करने लगेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज को स्टार्ट होने से लिए, पंखा आपका 240 वोल्ट पे है तो स्टार्ट होने के लिए इसको कितनी सप्लाई चाहिए, 600 वोल्ट, इसी के अनुसार उसको करंट और वोल्टेज का सिस्टम चाहिए। जब वो जब स्टार्ट होने के लिए इतना चाहिए तो भाई आप उसको उतना रहा कहां से मिलेगा उसको, तो हम जो करंट है उसको हमने कैपेसिटर पे उतारा, कैपेसिटर पे उतार के कुछ क्षण के लिए स्टोर करके, ये होता आपका लीडिंग लैगिंग का सिस्टम। इसलिए हमको 132 केवी जनरेट करना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी की खपत तो होती है लेकिन किस तरीके से होती है वो हम लीडिंग लैगिंग से।
चलो आगे बात करें। बहुत सस्ता में भैया, हल्के में मत लेना तुम इलेक्ट्रिसिटी को। अगर आप लोग सोचते हो कि इलेक्ट्रिसिटी एक नॉर्मल चीज है तो ऐसा नहीं है। एक ही अकेला वायर में आपको दिन भर लग जाएगा क्या? 40 घंटे 50 घंटे की क्लास सिर्फ एक वायर का बन सकती है आपकी, जो 240 वोल्ट का एक वायर का टुकड़ा आप लोग, एक कंडक्टर, उसी पे आपकी 40-40 घंटे की क्लास हो सकती है। उसमें क्या है, क्या मटेरियल, सारी चीजें आप अगर उसको समझो तो बहुत टफ है। ऐसी थोड़ी विज्ञानिक आदमी बन जाता है, वैसे थोड़ी खोज कर देता। ऐसे थोड़ी कि न्यूट्रॉन गए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिनकी खोज हुई, चैडविक मेडविक गए घूमते घामते उठा लाए, ये न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन है, ऐसा होता थोड़ी है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना। और छोटी सी जानकारी में बता दूं, अपने इंडिया में कभी सर्च करना आप लोग, 1986 के आसपास घुसपैठ हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, तो अपने पास एक काली नामक हथियार है। कौन सा हथियार है? काली। उसको कभी सर्च करना आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा कितनी टफ होती। 1965 के युद्ध में, 86 में जब जय मतलब राजीव गांधी की सरकार थी, उस टाइम के आसपास की बात है, घुसपैठ हुई थी। युद्ध थोड़ी, युद्ध 65 में हुए थे, 71 में हुए थे, 62 में हुए थे, वो चीन के साथ हुआ था, दो पाकिस्तान, फिर 99 में कारगिल की वो घुसपैठ वगैरह हुई थी। ऐसे ही 86 में घुसपैठ हुई थी, जो सबसे ऊंचा अपना इलाका है पाकिस्तान से जो बॉर्डर साझा करते हैं, उसमें जो सबसे ऊंचा जो इलाका है, उस इलाके में मतलब जो घुसपैठ हुई थी, तो उस घुसपैठ में स्थिति ये बनी थी कि मतलब वहां पर अगर आपको समझना कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी पावरफुल होती, तो उस चैप्टर को कभी या यूट्यूब पे उसको सर्च करना, आपको समझ में आ जाएगा। एसी को कुछ क्षण के लिए वो करता है स्टोर काली में, वो भी करंट और वोल्टेज अलग अलग, वो गीगावाट में है। गीगावाट बहुत बड़ा होता, किलोवाट, फिर जींगा, फिर गीगा, बहुत बड़ा वाट होता है वो, लाखों गीगावाट मतलब वो है। वो एक क्षण के लिए आपकी लेजर बीम देता है, जो लेजर तुमने देखी होगी, 25 रुपया की बैटरी आती है, उस बैटरी में टच करते हो तो वो एक लेजर मारता है। लेकिन जब तक वो डीसी होती है, हम उसको पकड़ के रखते, छोटा सा एक वो लगा होता है हमारा सेल, जिसको हम प्राइमरी सेल कहते हैं, एक ही बार इसका यूज करते, वो सेल को आप मारते हो तो वो बीम मारता, लेजर बीम। ऐसी लेजर बीम मारते अपन एसी से किसी भी चीज पे मारी थी, वो किसी भी चीज मतलब आपका जो बर्फ का जो पहाड़ था उस पर इतना एवलांच आया था कि 24-25 मंजिल आपका एक क्षण की वो जो बीम मारी थी, उसमें 24-25 मंजिल के आसपास का बर्फ पूरा पूरा नीचे गिर गया था। इतना पावरफुल होता हुआ ऐसे, इतना गला दिया था उसे बर्फ को, 24-25 मंजिल मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। उसमें 2-4-500 जो पाकिस्तान के घुसपैठिए थे, जो समझ में नहीं आ रहे थे ना, जितने नीचे थे उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ, और 10 मिनट के अंदर तो पूरा न्यूज में आ रहा था कि अब लंच आया है, निपट गए। वो बहुत खुफिया एजेंसी थी, बहुत मतलब उसका सिस्टम डला होगा, यूट्यूब पर कभी सर्च करना, ऐसी चीजें आप लोग सर्च करा कर, बहुत शानदार है। और उसमें कोशिश करना कि खान जीएस सेंटर जो चलाता है, खान करके जीएस सेंटर वाला, वो बहुत अच्छा, हाँ उसमें मतलब पूरा आपका उसके हिसाब से बना के सिस्टम से पूरा समझाया, बहुत शानदार तरीके से समझाया। उसको कभी समझना है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है तो उसको समझना। अब अपन आगे आते हैं, आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चालक जो है, कितने मिनट का हो गया भैया वीडियो? 34 लंबा हो गया है ना। इसको यहां से इस वीडियो को आप पुश करो, उसके बाद सेकंड वीडियो बनाना।